कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के जन्मदिन मौके पर रिवॉल्वर से हर्ष फायर करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। हालांकि कांग्रेस एमएलए अपनी सफाई में ये कह चुके हैं कि रिवॉल्वर नकली थी। केस दर्ज होने के बाद लगातार इस मामले पर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायक सुनील सराफ पर दर्ज प्रकरण को वापस लेने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर्ष फायर कोई अपराध नहीं है। भोपाल में अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार और बीजेपी के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक सुनील सराफ के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके जो बहादुरी दिखाई है, उस पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले ग्वालियर में भाजपा नेता के पुत्र ने उत्सव के समय लगातार हर्ष फायर किए। समाचारों में यह घटना सामने आई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल के पुत्र ने अपने जन्मदिवस नए साल के उपलक्ष्य में उन्होंने खुलेआम हर्ष फायर किए, लेकिन उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। मैं नरोत्तम मिश्रा से कहना चाहता हूं कि आप लोगों पर भी हिम्मत दिखाएं। अगर आप साफ सुथरी राजनीति करते हैं तो पक्ष विपक्ष ना देखकर न्यायोचित काम करना चाहिए। सरकार का काम एक पक्षीय काम करना नहीं, न्याय देना है। उन्होंने कहा कि हर्ष फायर में कोई अपराध नहीं मानना चाहिए। हर्ष फायर करना, पटाखे चलाना, दिवाली के बाद जब भुजरियां विसर्जित करने जाते हैं तो उस समय चांदमारी की परंपरा अब तक चली आ रही है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये अपराध है तो आपके संघ के कार्यकर्ता बंदूक लेकर लठ चलाना, सामाजिक रूप से प्रदर्शन करना, क्या ये अपराध नहीं है? ये परंपरा है हमारी। भारतीय परंपरा में त्योहार मनाना, हर्ष फायर करना, जब हमारे यहाँ गांव में बच्चा होता है तो कांसे की थाली बजाई जाती है, किसी के यहाँ पुत्र होता है तो खुशहाली में फायर करते हैं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारी पार्टी के विधायक सुनील सराफ पर जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसे तत्काल वापस लें, अन्यथा अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज करने की हिम्मत दिखाएं। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा सरकार के दबाव में, भाजपा के दबाव में, उन्होंने हमारे पार्टी के विधायक माननीय सुनील सराफ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके 336 जो बहादुरी की है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले, मेरा तो कहना है कि हर्ष फायर में कोई अपराध नहीं करना चाहिए। हर्ष फायर करना, फटाखे चलाना दीपावली के त्यौहार के बाद जब भुजरियाँ तालाब में फेंकने जाती हैं, सिराने जाती हैं, तो उस समय भी चांद मारी का परंपरा है जो अभी तक चल रही है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये अपराध है तो क्या आपकी संघ के कार्यकर्ता बंदूक लेकर प्रदर्शन करना, लठ चलाकर प्रदर्शित करना सामाजिक रूप से खुलेआम, ये अपराध नहीं है?